दशहरा एक पर्व है, हमारे यहाँ है ना पर्व, पर्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर्व का अर्थ समझते हैं, पर्व है शब्द से पर्वत बना है, पहाड़। पर्व का मानी होता है ऐसा उत्सव, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन जिसमें आपका मन ऊंचाइयों को चढ़े, उस ईश्वर की ओर चले। परो शब्द का अर्थ ही होता है कि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन, ऐसा कुछ आप करें कि आपका मन ऊंचाइयों पर चढ़े, पर्वत की ओर चढ़े, उस परमात्मा की ओर चढ़े, उस शिव की ओर चले। पर्व का मानी थोड़े होता है कि खा पी लिया, चाहे उपवास कर लिया, इतना खा लिया मीत बात की सलाह, अब चल नहीं हो रहा है, सोच नहीं हो रहा है, या एकदम में नहीं खाए, अब सोच रहे हैं कि जल्दी आना, रोज साला खाया जाए जल्दी से। पर्व का मानी ये थोड़ी है कि धरती का चिंतन बढ़ जाए, पर्व का मानी होता है उस शिव के चिंतन में आपका मन जाए, उस परमात्मा के चिंतन में मन जाए, इसको पर्व बोलते हैं। पर्व से पर्वत बना है, मन आपका ऊंचाइयों पर चढ़े तब पर्व हुआ, नीचे उतर गया, खूब मीट भात साला खा रहे हैं, एकदम दड़च के नौमी को खस्ती चढ़ा है, सलाम मारे जा रहे हैं, उसके बाद साला चल नहीं हो रहा है, लोग कह रहा है भाई जी ओह ओह तड़ी ढेर टन ले लिए यार तू तेरी, या फिर कुछ नहीं खाए आप, दोनों स्थितियां हो सकती, कुछ नहीं खाए आप, एकदम फल खा के रह रहे हैं, मन एकदम साला खाने के लिए परेशान है, तो मन तो नीचे जा रहा है आपका, ऊपर कहाँ गया, ये पर्व कहाँ हुआ, मन तो ऊंचाई ऊपर चढ़ा नहीं। तो हमको आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर लम्हा आपका एक पर्व हो, हर क्षण आपकी जिंदगी का एक पर्व में गुजरे। पर्व का मन हुआ अर्थ हुआ आपका मन ऊंचाइयों पर चढ़े, उस शिव की ओर चले, पर्व का अर्थ यही होता है। दशहरा दिवाली पर्व जो मनाया जाता है, पर्व शब्द का अर्थ यही है कि पहाड़ों पर आपका मन जाए, ऊंचाइयों पर आपका मन जाए, धरती के चिंतन से उस खास दिन को तो कम से कम अलग होइए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई खास दिन हम लोगों का नहीं होता, हर क्षण हर पल ही हम लोगों का खास दिन है। खास दिन के इंतजार में कब तक आदमी बैठा रहे। अब बोलिए क्या बोलना है, तो बोलिए देखो कहानी सुनाए, बोलिए देख कहानी सुना, लेकिन समझिएगा तब। देखो कहानी सुन, कहानी झूठी भी होती है, कहानी सच्ची भी। अब आपके मन पर है झूठ मानिए कि सच मानिए, लेकिन कहानियों में जो कहा जाता है कभी कभी उसके अर्थ बड़े भयानक होते हैं, वो आदमी की जिंदगी बदल देते हैं, आदमी के विचार बदल देते हैं, आदमी की चाल बदल देते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुना, आपके मन पर है झूठ मानिए सच मानिए। मैंने शिव को गुरु माना था, और शिव को गुरु मानने के बाद 8 साल बीते थे, किसी को मैं कहता नहीं था कि शिव गुरु है, वो नीलम जानती थी और कोई जानता नहीं था, कुछ ससुराल के लोग जानते थे कि शिव इनके गुरु हैं, लेकिन शिष्य मैंने किसी को बनाया नहीं। इसी बीच में मेरी बदली हो गई मधेपुरा, मधेपुरा मिथिलांचल है, मिथिला का क्षेत्र है, वो पहले भागलपुर का सब डिवीजन था, भागलपुर जिला था मधेपुरा का अंग्रेजों के जमाने में। जब मैं मधेपुरा गया तो बचपन से आदत पूजा पाठ, वहां भी श्मशान सहरसा जिला स्कूल में जाता था, तो रात पाता था तो जाता था। जब मैं मधेपुरा गया तो वहां जे मिले से भगवती का एकदम दुर्गा सप्तशती सुनाना हमको शुरू करे, जैसे हम कुछ छेड़े एक के बाद दुर्गा सप्तशती धर ले, और हमको दुर्गा सप्तशती से कभी भेंट नहीं। बाबू जी पढ़ते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, लेकिन हम मसानी हमको पाठ उठ से काले न दे। जब मधेपुरा गए तो सब यही बोले,
कुछ बोलिए नहीं कि बस भगवती पर पांकिंग पार्वती पूर्ण शुरू कर दे साला, हम तो पूछे भी नहीं करे कि साला क्या बोलता। अब कहानी शुरू होती, झूठी हो सकती। मैंने एक दिन भगवती से पूछा कि क्या चीज है जरा हमको बताइए। अब कहानी शुरू हो रही है, यानी अब झूठापन आ सकता नहीं भी आ सकता। मैंने भगवती से पूछा कि क्या चीज है जरा बताइएगा हमको। सब यहां बोलता है शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, कहां है भाई। तो मुझको जो लगा, कहानी है झूठी हो सकती है, मुझको जो लगा भगवती ने कहा कि देखो एक ही पंक्ति है जो काम के लायक। उन्होंने जो कहा, हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसे लास्ट जिंदा की जा सकती है, वो हम जानते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा सो बता रहे। उन्होंने कहा कि देखो एक ही चीज काम का है इसमें। हमने कहा क्या चीज, तो जो बोली हम भूला गए। अरे मतलब रहे तो हम नहीं याद रहे, मतलब था नहीं। तो हमने कहा देखिए आप जो बोले हैं सब भूला गए, आप जरा लिख दीजिए। तो सामने दीवार थी, जैसे ये दीवार है, उन्होंने दीवार पर लिख दिया। लिखा क्या, लिखा गया, लिखाया सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उस समय इसको हम जानते नहीं थे, बोली तो हम बुझे नहीं, खाली लास्ट वाला याद रहा नारायणी नमस्ते, तो पीछे वाला याद रहा नहीं। तो उन्होंने लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमने कहा इसके अलावा, तो बोली कि देखो मार्कंडेय पुराण का 700 श्लोक है, 700 श्लोक के चलते उसका सप्तशती नाम पड़ा है, 7 बार 100 नाम पड़ा है उस किताब में, जो है सो यही है, बाकी कुछ उनकी नजर में, आपकी सबकी नजर अलग अलग होती है भाई जी। उन्होंने कहा कि बाकी चीजों में कोई खास चीज, बात आई गई खत्म। लेकिन वहां तो मिथिला में रहिएगा तो खास करके आपको, पहले के जमाने में तो और था, ये कहानी 30 साल पहले की है। सब लोग कहे हम शक्ति रहस्य जानते हैं, तो कील है, तो कवच है, तो अरगला है, हमको बुझेबे नहीं करे कि साला कील क्या है, अरगला क्या है, कवच क्या है। हिंदिया तो पूछते हैं कील मने कील ठोकदा मने केवाड़ी बंद हो गई। अरगला कहते हैं कि वो जो छिटकिनी में वो जो लकड़ी का बना रहता है उसको अरगला बोलते हैं, अरगला हो गया। फिर हमको लोग सुनावे पांग पिंग पार्वती है ये वाला सुनावे, अब अक्ते निर्णयदातव्यम गोपिता। हमको सब मूर्ख पूछता था, सब कहता था कि भाई आपको हम कहे शक्ति रहस्य बतावे। अब अक्ते निर्णयदातव्यम गोपिताम रक्ष पार्वती, महादेव ने के मुख से मार्कंडे ने भगवती को ही मना करा दिया कि अभक्त को मत देना, इसको गूंथ के रखना। अब बहुत बड़े आदमी से ना मना कर दिया भाई, हलवा मना कर रहा है मजदूर को, आइए वो प्रधानमंत्री मना कर रहा है अपने एक मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि वही मना कर रहे। तो मार्कंडेय ऋषि ने किया क्या कि महादेव से मना करा दिया भगवती को, अब तो ये तो टॉप पर मना ही हो गया, तो सारा उसको उसमें बोलेगा कि शिव कह रहे हैं भगवती से। हम ना पढ़ा है भैया, जो हम कहानियां बोले ना, हम कहानी सुना रहे, झूठ हो सकती है। शिव ने ही मना कर दिया भगवती को कि अभक्तेन नैव दातव्यम, ऐसे कुछ है ना सर, गोपितम रक्ष पार्वती, हे पार्वती जो अभक्त हो उनको शक्ति का रहस्य मत बतलाना, इसे गुप्त रख। सब हमको सुनावे कि आप जानते हैं बहुत महादेव महादेव करते हैं, 40 साल रहता मथान साधे हैं या क्या क्या करते हैं आप, हमको बुझेबे नहीं करे कि साला जब महादेव मना कर दी ना भगवती को, तो मार्कंडेय किताब में लिखी नहीं हो, कोई आदमी नहीं लिख सकता। जब कोई लिखने वाला ही महादेव के मुंह से भगवती को मना करा रहा है तो किताब में लिख देगा, तो हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। और वो शिव का भक्त था मार्कंडेय, भगवती का भक्त तो था नहीं।
लेकिन जो शिव का भक्त होगा भगवती का भक्त होना ही होना है उसको। लेकिन मार्कंडेय ऋषि तो शिव के भक्त है, आप लोग कैलेंडर देखते होंगे ना, वो मार्कंडेय शिवलिंग पकड़े हुए हैं, उधर से जमराज आए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, उनकी मौत है 11-12 साल में, जमराज को फिर त्रिशूल भगाता है, जमराज भागते हैं, शिवलिंग क्यों को पकड़े हुए हैं मार्कंडेय, वही मार्कंडेय ऋषि। अच्छा जमराज इसीलिए आए कि वीआईपी मरेगा ना, वीआईपी को मारा जाएगा तो बड़ा बड़ा लोग मारने के लिए आता, छोटका चोर को पकड़ने के लिए सिपाही जाता, अपड़का आदमी को पकड़ने के लिए एसपी जाते हैं, और बड़ा आदमी को अरेस्ट करना होगा तो डीजी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जाते हैं। ठीक उसी तरह से अब महादेव के भक्त को मारना है, उनको उसकी मौत है तो अब जमदूत तो जाएंगे नहीं, अब सीधे जमराज जाएंगे उसके हेड बॉस। तो जमराज गए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, आप भागे हैं जमराज, जो फोटो देखते हैं हमको पता नहीं चले कि शक्ति रहस्य क्या है, शक्ति रहस्य क्या है, किताब में नहीं होगा इतना तो हम बुझ ही रहे थे। एक बार महादेव से हम पूछा कि सरकार सब हमको यहाँ उल्लू बना था, आपके नजर में हम भी उल्लू हैं, लेकिन एक बात बताइए कि शक्ति रहस्य क्या है। उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, कहानी है इसलिए झूठ है, कहानी सच भी होती है झूठ भी होती है, उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, नमः शिवाय। अब हमरे जैसा तेज आदमी इस बात को स्वीकार करेगा, तेज मने कि श्मशान की दुनिया से हम आए थे, उतना ज्ञान तो हमको था कि कौन क्या बोल रहा है। महादेव ने शक्ति रहस्य बता दिया मुझको, नमः शिवाय। अब देखिए किसी सिद्धांत में नहीं बैठेगा, नियम है कि जिस देवता का ध्यान होगा उसी के नाम का स्मरण होगा, दिस इज द रूल। जिस प्रेत को आपको बुलाना है उसका स्मरण करिए, उसका नाम लीजिए, तभी वो आएगा। शिव को का आह्वान, जो प्रेत का सिस्टम है वही ऊपर भी सिस्टम है, शिव के साथ भी वही लागू है। शिव का स्मरण होगा और शिव का नाम ही आए दिया जाएगा तो शिव का आह्वान होगा, ये नियम है। तो शक्ति का रहस्य नमः शिवाय कैसे हो सकता है? या तो पार्वती का कोई मंत्र होगा, या काली का कोई मंत्र होगा, या शक्ति का मूल महागौरी का, गौरी का कोई मंत्र होगा, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, महादेव ने कह दिया नमः शिवाय। हमने आउट राइट इसको रिजेक्ट कर, हमको लगा कोई सारा बीच में प्रेत आ गया, महादेव इतना गलत बोल ही नहीं सकते, हमको जो लगा हमने इस मामले को रफा दफा कर दिया कि मामला गड़बड़ है, हमको गलत सूचना मिल गई है। नमः शिवाय शक्ति के तंत्र का रहस्य कैसे हो सकता, जिसको मार्कंडेय ने महादेव के मुख से मना करा दिया और महादेव कह रहे हैं नमः शिवाय, ये कैसे हो जाए? हमने इसको छोड़ दिया। कई वर्ष बीत गए, 14 साल बीत गए, हमने उसके बाद मेरी बदली पटना हो गई, इन चीजों पर से दिमाग हट गया। एक बार उन्होंने बोला उसको मैंने काट दिया, हम कहना गलत। पटना में 5-6 साल रहने के बाद, 13-14 साल के बाद कहां से मेरे दिमाग में आया कि महादेव इतना साल पहले बोले थे वो तो गलत है, ले है। आखिर शक्ति का रहस्य क्या? अब फिर एक कहानी झूठी शुरू होती, मुझको लगा कि महादेव आए हैं और बोल रहे हैं, हरिंद्रा वो हरिंद्रा नहीं बोलते, वो हरिंद्र बोलते हैं। अखा चलिए कहानी है सब झूठे हैं, तो बोले कि हरिंद्रा देखो बात बताओगे? हमका जी कहा जाए, तुम यहां पर मैजिस्ट्रेट हो? हमका जी, तुम्हारे यहां वकील और कैदी आते हैं? हमका जी आते हैं।
वकील को, पेशकार को, या तुमसे जो लौकिक काम के लिए लोग मिलने आते हैं, लौकिक कलेक्ट्रेट का काम मिलने आते हैं, उनको तुम चाय पिलाते हो? हम कहा सरकार, हम किसी को चाय वो नहीं पिलाते। किसी को बैठने के लिए कहते हो? हम कहा जी ना, हम खड़े खड़े बात करते। मेरी जो आदत रही है नौकरी में, नौकरी में अनुशासन में बहुत मानता था। एगो शिव शिष्य गया, बहस किया खूब कोर्ट में, हम SDO का कोर्ट कर रहे थे, बहस सुन के उसका केस हम खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसी शिष्य से छोड़ दी। हम कहे साले छोड़ दा, कचहरी अलग चीज है, शिव शिष्य अलग चीज है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेशकार आता है, वकील आता है डेरे पर या ऑफिस में, किसी को तुम चाय तो पिलाते नहीं? हम कहे नहीं, हम नहीं पिलाते। किसी को बैठने के लिए भी सभासद पर नहीं करते? हम कहे जी ना, नहीं करते। आइए खड़े खड़े बात करिए, जो हमको जजमेंट देना होगा बिल देना होगा बिल देंगे, जेल भेजना होगा जेल भेजेंगे, इसे बैठाना कौन चाहिए, चाय कौन चीज पिलाना है सारे को? तब उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे यहां जो लोग शिव चर्चा सुनने के लिए आते हैं उनके साथ क्या करते हो? ऑफिस के लोगों के साथ तो तुम ऐसा करते हो, जो लोग शिव चर्चा सुनने आते हैं शाम में या तुम्हारे घर पर, उनके साथ क्या करते हो? हम कहा जी बाबूजी को जमीन पर सुलाते हैं, शिव शिष्य को पलंग पर सुलाते हैं। सच्चाई थी, सच्चाई थी। हम कहा जी वो चपरासी भी आता है तो हम सोफा सेट पर उसको बैठाते हैं, नाश्ता कराते हैं, खाना खिलाते हैं, नीलम बर्तन मलती हैं, खाना खिलाती हैं। उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं ना थी, तो शिव शिष्य है तुम जानते हो? हम कहा जी शिव शिष्य बनेगा अभी है कहाँ, वो तो मुहुआ से बोलता है कि हमारे महादेव गुरु हैं या साहब के पास हम आए हैं चर्चा सुनने। तो बोले तब तुम उसको सोफा सेट पर बैठाते हो, खाना खिलाते हो, नीलम बर्तन उसका मलती है, उसको खाना बना के खिलाती है। हमका जी तो हम करते हैं। ऑफिस के किसी आदमी को तुम बैठने के लिए भी नहीं कहते? हमका जी ना, काम में आए हैं काम से जाइए, काम कर देते हैं, काम करने लिखो कर लेंगे, ज्यादा परिचय होगा तो फाइल बार नीचे है तो ऊपर से जल्दी से आपको करके विदा कर दें, जाइए। ठीक, महादेव के नाम पर तुम चपरासी को सोफा सेट पर गोड़ रख के बैठने के लिए देते हो और तुमको अच्छा लगता, और ऑफिस में एक आदमी अरुण सिंह शिवशेष था टेबल पर हाथ रख के खड़ा हो गया और इतना अच्छा शिवशेष था, तुमने कहा सीधा पहले खड़ा होइए, बात करते करते टेबुलवा पर हाथ रख के बतियाने लगा हमसे, हमारे चैम्बर में ऑफिस में, हमें सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो पहले। तो कहा कि ऑफिस के काम से तुम सीधा खड़ा करवा देते हो और महादेव के काम से नीलम हलवा बना के लाती हैं, आइसक्रीम बना के लाती हैं, आज सब गुरु भाई को खिलाती हैं, सब लोग उदाहरण है, सब लोग प्रमाण है, यहाँ परमेश्वर भी बैठे हैं, मंडल जी भी बैठे हैं, बहुत लोग हैं, मंटू में बहुत लोग, कहे ऐसा करते हो? हम कहानी सुना रहे, कहे ऐसा करते हो? हम कहा जी अच्छा लगता मेरे महादेव की का मुखौटा ओढ़ के लोग आते हैं, भीतर तो महादेव उनके गुरु नहीं है, ये बात आज की थोड़ी, आज की 25 साल पहले की है, भीतर से तो महादेव गुरु उनके नहीं हुए हैं, मुखौटा है शिव शिष्य का। तो हम बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, 2 बजे रात तक गप करते हैं और गाड़ी से भिजवाते भी हैं। तो काहे ऐसा करते हो? हम कहे जी अच्छा लगता। तुमको अच्छा लगता नहीं? हम कहे जी थोड़ा तो जरूर अच्छा लगता, तभी ना करते हैं, नहीं तो काहे करें। यानी तुम महादेव को प्यार करते हो? हम कहे जी तो नहीं करते। अरे जिसको प्यार कीजिएगा, जिसकी बीवी अंदर उसका भाई सिकंदर, काहे कहा जाता कि पत्नी को आप प्यार करते हो, उसका भाई आए तो सिकंदर घर में हो ही जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि तुम महादेव से प्यार करते हो, हम गजीना ना वो तो नहीं करते, लेकिन महादेव थोड़ा अच्छा लगता। कहा कि महादेव तुमको थोड़ा अच्छा लगता, तुम महादेव का मुखौटा पहने हुए लोगों को तुम नीचे पलंग पर सुलाते हो रात में रुकता है तो, और अपने बाप को नीचे सुलाते हो, अपने बेटे को नीचे सुलाते हो। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं एक बार पटना से सीतामढ़ी जा रहा था, गाड़ी में 5 सीट थी, 5 सीट फुल था, मोनू बाबू को जाना था, यही मोनू बाबू जो आपके सेक्रेटरी हैं, इनकी लंबाई देखिए रहे, उस समय भी बहुत लंबा था ये। और जानते हैं मोनू बाबू को मैंने कहाँ बैठाया था? मारुति के पीछे वाले सीट में जहां आप पांव रख के बैठते हैं, बहुत कम जगह रहती है, वहां मोनू बाबू पटना से सीतामढ़ी गए थे। मेरा बेटा बैठ के गया था जहां मारुति में पीछे आप सीट पर मैंने गोड़ रखते हैं, उस गैप में बैठ के मोनू बाबू गए थे, लंबाई देखिए लीजिए, बैठ के गए थे। और शिव शिष्य जो माधवचोद निकले बाद में, वो लोग सीट पर बैठ के गए थे। तो महादेव के मुखौटों पर तो मैं अपने बेटा और बीबी का ख्याल ही नहीं रखा, बाप का ख्याल ही नहीं रखा। तो महादेव ने कहा कि तुम ऐसा काहे करते हो? हमने कहा कि जी महादेव थोड़ा अच्छा लगता है। तो कहा प्यार करते हो? हम कहा जी ना, हम स्वीकार करते हैं कि हम नहीं करते। कहा कि तुम कहते हो कि तुम महादेव को प्यार नहीं करते हो और स्वीकार कर रहे हो कि प्यार नहीं करते हो, तब महादेव का मुख हटा लिए लोगों के लिए, अपने संतान को अपने बाप को इस स्थिति में ले आते हो, और भगवती तो हमको सबसे ज्यादा प्यार करती होगी तो तुम भी और दुनिया भी जानती है। हमका जी इसमें दो मत कहाँ है, मोबाइल बंद कीजिए, ढेर काबिल मत भाई, मेरा मोबाइल देखा है। एक बार कहा जाता है कि मोबाइल बंद करिए तो बंद करिए, यहां कोई कलेक्टर नहीं है। तो जब मैं तंत्र की बात करूं तो अपने होश में रहिए, मैं होश में नहीं रहता, होश बिगाड़ दूंगा डर के। हाँ तो चलिए फिर कहानी पर आते। कहा कि वो भगवती हमको प्यार करती हैं ये दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो? हम कहा जी इतना तो पढ़े जरूर है। कहा कि तुम कहते हो कि तुम महादेव को प्यार नहीं करते हो, तब महादेव का मुखौटा पहने आए लोगों को तुम इस स्थिति में रखते हो, और जिसको पैदा किया और जो तुमको पैदा किया उसको इस स्थिति में रखते हो, स्थिति समझ ली उल्टी, इस स्थिति में रखते हो, तो बताओ भगवती जो इतना प्यार चाहती हैं मुझको, वो महादेव के को चाहने वालों के लिए क्या कर सकती है सो बता दो। तुम कहते हो कि तुम महादेव को नहीं चाहते हो, तब महादेव का मुखौटा पहने लोगों के लिए तुम इतना करते हो, और तुम ही कह रहे हो कि भगवती सबसे ज्यादा हमको चाहती हैं, तब सोचो कि वह भगवती महादेव का मुखौटा पहने हुए लोगों के लिए क्या नहीं कर सकती। तुमको कैसे लगा था कि शक्ति रहस्य का रहस्य, शक्ति रहस्य का रहस्य नमः शिवाय नहीं है? 14 साल के बाद महादेव ने हमको समझाया, और तब मैंने समझा कि शक्ति रहस्य का बीज मंत्र है नमः शिवाय, जो अब दुनिया में कोई जानने वाला नहीं बचा है। और मुझको उन्होंने समझाया था कि तुम जो कहते हो कि हम महादेव को प्यार नहीं करते हैं, तुम महादेव का मुखौटा पहने हुए लोगों के साथ जो व्यवहार सुंदर करते हो और उसी अनुपात में खराब व्यवहार करते हो अपने संतान अपने घर अपने लोगों के साथ, यह जानते हुए भी कि यह शिव शिष्य नहीं है और शिव शिष्य बनने की प्रक्रिया में तुम इनको डाले हुए हो, तब यह स्थिति है। जो भगवती मुझसे अलग है ही नहीं, मैं ही वही हूं, वो भी अलग है, ऐसा तुम भी जानते हो, वो महादेव के नाम पर क्या कर सकती हैं? तुम जान दे सकते हो, अरे वो तो जान के बाद जहान भी दे सकती हैं मेरे नाम पर, तो शक्ति रहस्य नमः शिवाय नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऊपर जब जैसे जैसे ऊपर जाओगे, कोई नियम कोई कानून नहीं चलता है, वहां मुखेर कानून है,
जो कह दिया शिव ने वही नियम है, वही लागू होगा, तुम अपने सिस्टम को यहाँ लागू नहीं कर सकते। प्यार में कोई विधान नहीं होता, प्यार में कोई सिस्टम नहीं। आप लोग इस कहानी को झूठ मानिए या सच, कहानी है, इससे रहस्य खींच लीजिएगा तो बहुत बड़ी चीज जिंदगी में हासिल हो जाएगी, नहीं खींच पाइएगा तो कोई क्या कर सकता। चलिए नेक्स्ट। आज के दिन तो सारे लोग इसी इच्छा से यहाँ आए हुए हैं कि आपसे आशीर्वाद लेंगे और क्षेत्र में जाकर के जो गुरुआदेशित कर्म है उसको बढ़िया से बढ़िया। अब इस कहानी के बाद इतना तो जरूर लग गया होगा कि आप जैसे हरिना लौकिक काम के लिए आते थे लोग तो खड़े खड़े उनका काम करते थे, भगवती से सीधे जुड़िएगा तो खड़े खड़े आपका काम हो जाएगा, आप चले जाइए लेकिन उनके घर में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। उनके दिल में प्रवेश करने के लिए तो शिव की झोली धोनी होगी, शिव का नाम लेना होगा, शिव के लिए जीना मरना होगा, तभी भगवती के घर में प्रवेश कर सकिएगा, उनके मन में प्रवेश कर सकिएगा। अन्यथा भगवती को से मुहब्बत करके आप भगवती के घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भगवती से मुहब्बत करके जगत ले सकते हैं, सुख ले सकते हैं, जैसे मुझसे लोग लिया करते थे, मेरी जो मेरे जो प्रशंसक थे नौकरी में उनका कमान तुरते कर देते थे, वो भी गलत काम मैं नहीं करता था, भगवती भी नहीं करती लेकिन सही काम अगर है तो मैं तुरंत कर दूंगा, आपको सुबह से शाम तक बैठना नहीं होगा, मैं कर दूंगा, आपको 3 दिन नहीं लगेगा, तुरंत फाइल मंगा के मैं कर दूंगा। लेकिन कहिएगा हरिनारायण जी के घर में जाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, सोफा सेट पर बैठेंगे, सूतेंगे, भाई जी तो नहीं होगा, इसके लिए तो शिव का मुखौटा आपको लगाना होगा, कहना होगा कि जी शिव चर्चा सुनने आए हैं, तभी हरिनारायण जी अपने सोफा पर बैठाएंगे और उनकी पत्नी आपको खाना खिलाएंगी, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपको भगवती से कुछ ले लेना है, भगवती को अपना बना लेना है, तब शिव से आपको जुड़ना होगा। सीधे भगवती से जुड़ के भगवती को आप अपना नहीं बना सकते हैं, हाँ उनसे उनकी शक्तियों के तहत ले सकते हैं, जगत ले सकते हैं। इसलिए आप लोग सही मानी में भगवती के उपासक हैं, भगवती को चाहें अथवा न चाहें, भगवती आप लोगों को चाहती हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप चाहिए या नहीं चाहिए, वही चाह ले तो सब कुछ हो गया सर, हमारे आपके चाहने से क्या होता है। शिव चाह ले तो सब हो जाएगा, वह भगवती चाह ले तो सब हो जाएगा। और जो शिव का कार्य करते हैं, जो मुखौटा पहने हैं, उनका भी सुन लेती हैं वो, ताकि जानती हैं कि साला मुहे से ना बोलेगा, मनवा कहाँ से लावेगा, जब महादेव चाहेंगे तभी ना मनवा से ही शिव को गुरु मानेगा, मुहे इसको महादेव दीन है, तो साला ये बोलता है तो कौन बोलता है, साला मुखौटा जिसको बोलते हैं, मास्क जिसको बोलते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवती के घर में आपको प्रवेश है, आपको हमेशा प्रवेश मिलेगा भगवती के घर में, बशर्ते कि आप महादेव का मुखौटा ही कम से कम पहन लीजिए, शिव के शिष्य का मुखौटा ही पहन लीजिए, इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते हैं। गुरु जो कहते हैं वो करिए, मन तो उनको गुरु मानेगा, उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से, इसमें हमारा आपका कुछ बस नहीं चलता। हमने जो कहानी कही उस पर ध्यान दीजिएगा, शायद इस संसार में अब इस कहानी की सच्चाई जानने वाले लोग नहीं हैं, यही है शक्ति रहस्य, शक्ति के का रहस्य ही है नमः शिवाय, और कुछ भी इस संसार में नहीं है। लेकिन आप समझ पाइएगा कि, क्योंकि मुझको समझने में 14 साल लगा था, आप समझ पाइएगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता। वैसे महादेव करें, आपके गुरु करें कि आप इस रहस्य को समझिए, ताकि आपको शक्ति तंत्र भी समझ में आ जाएगा, और हरिनारायण आपके साथ आए हैं इसीलिए समझ में तो आएगा। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम, जाइए प्रसन्न रहिए, दशहरे का दिन है, खुशियां मनाइए, महादेव का काम बढ़ाए, आप सबों को प्रणाम।